सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि द मेजर पार्ट कौन सा है पढ़ने के लिए। सो बेसिकली इसमें बेसिक फिजिक्स कंप्यूटर से ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं। सो हम लोग आज के दिन सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक साइंस में यूनिट एंड मेजरमेंट, देन स्पीड एंड वेलोसिटी एंड मास रेट एंड डेंसिटी। सो इस वीडियो में मैं अभी यूनिट एंड मेजरमेंट कवर करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम लोग सबसे पहले शुरू से एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। सबको पता ही है मेजरमेंट कि दो वस्तुओं के एक समान गुणों के विषय में पर्याप्त तथा संतोषजनक तथा सही जानकारी प्राप्त करने के लिए इनके माप की आवश्यकता होती है। ठीक है, वाई मेजरमेंट इज नेसेसरी। ओके, उसके बाद इसमें टॉपिक बहुत ही सिस्टमैटिक वे से दिया हुआ है। मेजरमेंट तथा माप के लिए एक यूनिट निर्धारित की गई है जिससे कि हम लोग आसानी से किसी वस्तु को माप सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं कि इसमें दो प्रमुख बातों का उल्लेख आवश्यक है, जैसे यूनिट एंड नंबर वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, और किसी भौतिक राशि का अंकित मान उसके मात्रक के उपयुक्त पाती होता है। इट्स मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, न्यूमेरिक वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u। ओके, दूसरे शब्दों में किसी भौतिक राशि के आंकलिक मान तथा उसके संगत मात्रक का गुणफल सदैव नियत रहता है। मैं एकदम बेसिक से पढ़ रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट कीजिए। किसी भौतिक राशि के दो विभिन्न मात्रकों जैसे U1 और U2 के संगत अंकित मानों का क्रमशः N1 और N2 होता है। NU क्या होता है? नियतांक होता है, मतलब कांस्टेंट होता है, इसको बोल सकते हैं। सो N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, ये दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, अब कुछ इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्टैंडर्ड हैं, जैसे कोई भी मापदंड के लिए जो होता है। और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है लॉ ऑफ रेटिंग यूनिट। ठीक है, वैज्ञानिकों के मात्रक होते हैं जो कि हम लोग को आसानी होते हैं आगे चल के, जिन्होंने भी ये सिंबल का खोज किया, जैसे न्यूटन के लिए N दिया हुआ है। ये सब तो बहुत ही बेसिक हो गए। हम लोग का मेनली फोकस है एग्ज़ाम क्लियरेंस का। ठीक है, तो उसके बाद ही बेसिक नॉलेज के बाद यहाँ पे MCQ क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। बहुत ही पहले आप स्मॉल टॉपिक कंप्लीट करें, उसके बाद उनसे कुछ 5 प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, एकदम सिस्टमेटिक वे से दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। वैसे मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, सो वीडियो में डालता रहूँगा जैसे जैसे मेरी तैयारी होती रहेगी। अगर आप लोग भी चाहेंगे तो इसी क्रम में आगे बढ़ सकते हैं, इससे एक नियमित समय बन जाएगा जो कि आज के समय में नहीं हो पाता है। पहले 5 क्वेश्चन करेंगे, उसके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विद्युत धारक का मात्रा एम्पियर है, इसे लिखा जाएगा। एम्पियर को तो जान ही रहे, एम्पियर ही सिंबल से लिखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जूल प्रति मीटर केल्विन। देखिए, जूल प्रति मीटर केल्विन पर केल्विन होता है। ठीक है, इसको इन्वर्स में भी लिख सकते हैं। उसका 9 सेकेंड किसका मात्रक है? देख सकते हैं, आवेग का मात्रक है। और CGS, ये जो क्वेश्चन है CGS, इससे लगभग लगभग एक क्वेश्चन दे ही देता है रेलवे, क्योंकि जानता है ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन बेसिक पे बहुत लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं जिस वजह से।
ये अटेम्प्ट करके गलती कर बैठते हैं। देख सकते हैं CSG पद्धति में एक पिंड का घनत्व दिया हुआ है, और घनत्व SI में आपको यहाँ क्या होगा बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 8 × 10³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है, जैसे 1 kg WT बराबर क्या होगा, ठीक है। न्यूटन फोर्स में बताना है, न्यूटन में बताना है कौन सा होगा। सो जान ही रहे हैं 9.8 न्यूटन होता है। अब आगे बढ़ते हैं, पहले इसका टाइप भी जानना है, बहुत ही आवश्यक है, एकदम शुरू से चलना है। कुछ नहीं, बस इस वीडियो को सिर्फ एक ध्यान दे देना है, बस बेसिक आराम से क्लियर रिवीजन हो जाएगा एक तरह से। कितने प्रकार के यूनिट होते हैं, हर द्रव के लिए, हर मानक के लिए, जैसे है डी ड्राइव यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। उसके बाद आते हैं SI, तो मीटर, kg, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, ड्राइव यूनिट में वे मात्रक जो मूल मात्रक पर आधारित होते हैं और जिन्हें मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, ड्राइव यूनिट कहलाते हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक से है, पढ़ने में बहुत सही लग रहा है, ठीक है। अब ये सब तो बहुत ही बेसिक हो गया। चाल दूरी व समय होता है, मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हो गया। तत्व वेग में परिवर्तन तथा समय में परिवर्तन, बल तो जान ही रहे हैं, फोर्स क्या होता है, केजी पर मीटर पर सेकेंड होता है, केजी मीटर पर सेकेंड, मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। उसके बाद आते हैं फुट पाउंड, मतलब CGS के आगे भी कुछ बातों को ध्यान देना पड़ेगा। FPS, दिस मीन्स फुट पाउंड सेकेंड, ये प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली है, ब्रिटिश सिस्टम है। लंबाई की इकाई फुट, मात्रक की इकाई पाउंड तथा समय की इकाई सेकेंड होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये तो पता ही है, बहुत ही सिंपल सा है। MKS, इन सभी चीज़ों को बस सरसरी निगाहों से याद रखना है कि ताकि ये छोटी सी गलती हो ना पाए। MKS मीन्स मीटर किलो सेकेंड, ओके। अब अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल सिस्टम, जिस मीन्स MK व CGS प्रणाली की भांति SI प्रणाली एक मैट्रिक प्रणाली है जो 20 मई 2019 में SI के आधार पर निम्नलिखित से प्रभाषित की गई थी, मीटर, किलोमीटर, 1 मीटर 1 सेकेंड के 1/299792458 की अवधि के समय में अंतराल के दौरान नियतित प्रकाश द्वारा तय की गई पथ की लंबाई है। केजी क्या होता है देखिए ना, सेकेंड, एम्पियर, 20 × 10⁻⁷ न्यूटन बल लगाता है, 1 मीटर की दूरी पर बनाए रखा जाता है जिसमें कि 2 × 10⁷ न्यूटन बल लगता है। केल्विन, केल्विन जल के त्रिक बिंदु की थर्मोडायनामिक अंश का 1/273.16 को 1 केल्विन कहा जाता है, ठीक है। मोल के बारे में जान ही रहे, 6 × 10²³ परमाणु के अणु के समान द्रव होता है। अगर एक एक मोल के पदार्थ को देखें ढेर को, तो कितना किलो होगा, 0.012। कार्बन कितना होगा, 12 कार्बन बराबर 1 मोल हो जाएगा।
लगभग इसको कहते हैं 6.02 to the power 23 परमाणु। ठीक है, ये कैंडल के बारे में बहुत ही कम मुझे देखने को मिला है पेपर में। लंबाई की माप, लेस काउंट, मीटर स्केल, हाँ मीटर स्केल से क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। 1 mm को क्या कहते हैं, 0.1 centimeter मीन्स 10। बस इसे ऐसे देख लेना एक बार। वेनियर कैलिपर जो भी सरफेस गोल सरफेस होते हैं उसको आप मेज़र कर सकते हैं, उसकी एरिया भी उसका निकाल सकते हैं विद द फॉर्मूला ऑफ वेनियर कैलिपर, ऑब्जर्व्ड मेज़र MSR प्लस N into LC। ओके ठीक है, ये देख सकते हैं, इसको मापने के लिए बहुत ही आसान है एकदम से। मुख्य स्केल प्रभाव और वेनियर कैलिपर स्केल प्रभाव, इसको माइनस करके लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो एक्सपेरिमेंटल चीज़ है ये नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं आगे बढ़ाऊंगा। बाकी आप लोग बताइए, हैव अ गुड डे।